अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्यूट सा फ्लावर बनाना बहुत ही आसान है सिंपल मेथड से सिखाऊंगी। बेसिकली पहले मैंने एक बेबी फ्रॉक की वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने ये फ्लावर लगाया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स तब से आ रहे थे कि ये फ्लावर बनाना भी सिखाएं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर में मैंने एक कपड़े का पीस ले लिया है और यहाँ पे हम इसकी जो चौड़ाई का निशान है वो 3 इंच का लगाएंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि जितनी आप चौड़ाई लेंगे उतनी ही लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई का निशान जो है वो हमने 3 इंच का लगाया है, उसी के सामने भी हम निशान लगा लेंगे 3 इंच का नीचे वाली साइड पे भी, और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं इसकी जो लंबाई है वो भी 3 इंच ही है। तो सेम इसी मेजरमेंट के साथ आपने आगे डबल करना है इसको, और फिर मजीद इसको डबल करके 3 तह कर लेनी है। इस फ्लावर की जो लीव्स है वो 3 बना रही हूं, आप 5 भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने उस फ्रॉक पे 3 वाला ही बनाया था तो मैं वही बना के आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे सेम इसी मेथड से आप इसके जो ये लीव्स हैं, ये जो स्क्वायर्स हैं, ये आप 5 भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 3 कट कर लिए सेम इक्वल साइज में। उसके बाद इस तरीके से इसकी तिकोनी शेप्स बनानी है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको पहले इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे और फिर मजीद इस तरीके से करके इसको अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे। यहाँ पे जो अनइक्वल पार्ट है उसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे देखें इसको इस तरीके से हम करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत से लीव्स बनाएंगे। इसी तरीके से आपने 3 रेडी कर लेनी है ट्रायंगल शेप में। उसके बाद आपने सुई में सिंगल तार धागा डालना है और यहाँ पे इस तरीके से लॉक करते हुए धागे को, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे छोटा छोटा टांका उठाना है इस तरीके से करते हुए। और इसी सुई से हमने ये जो तीनों लीव्स जो हम लोगों ने ये तकोनी शेप में बना ली हैं इसको इस तरीके से गुजार लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे उस पर भी इसी तरीके से, ये देखें छोटा छोटा टांका उठाते जाएंगे। और तीसरी को भी सेम इसी तरीके से। उसके बाद हमने इसकी चुनर्स को इस तरीके से धागे को खींच के इस तरीके से इसको सेट करना है कुछ इस शेप में। जब आप इससे शेप में इसको सेट कर लेंगे उसके बाद आपने इन चुनर्स को यहीं पे लॉक करना है। तो कैसे लॉक करना है वो भी यहाँ पे हम आपको बता देंगे। इन सारी चुनर्स में से एक बार गुजारना है सुई को इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको सेट करके लॉक कर देंगे धागे को और फिर कट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक ब्लैक कलर के कपड़े का पीस लेना है। यहाँ पे देखें ये छोटा सा पीस ले लिया है ब्लैक कलर के कपड़े का, और इसके अंदर ये बटन डाल दूंगी। और इसके अंदर कोई भी बटन, किसी भी साइज का आप बटन ले सकते हैं। ख्याल रखेंगे थोड़ा छोटा ही लें बटन तो बहुत क्यूट लगेगा। तो इसको इस तरीके से इसके ऊपर लपेटते हुए इसको यहाँ पे इसी सुई के साथ इसको यहाँ पे लॉक करेंगे, और ये धागा कट करके इसी धागे के साथ उसको बटन को भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम इस बटन को इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे इन चुनर्स को अच्छे से लॉक करके पक्का करके धागे को कट कर देंगे हम। अब हम ये जो बटन जो हम लोगों ने पोटली में लपेटा है उसको इस तरीके से अच्छे से स्टिच कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। बेसिकली ये फ्लावर उस फ्रॉक पे मैंने अपनी मदर से बनवाया था, तो मैंने स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे व्यूवर्स को जरूर सिखाएं आप ये फ्लावर बनाना, तो ये स्पेशली वीडियो मैंने उन्हीं से बनवाई है। यहाँ पे देखिए इसको पक्का कर लिया है, और उसके बाद हम लोग इस फ्लावर के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे इसको, और इस बटन के इसके बटन के चारों तरफ से अच्छे से स्टिच कर देंगे इसको फ्लावर के साथ। ये देखिए इस बटन को चारों तरफ से अच्छे से स्टिच कर देंगे, जो इसके ऊपर कपड़ा था बटन के उस कपड़े को अच्छे से स्टिच कर देंगे फ्लावर के साथ। यहाँ पे देखें ये बहुत ही क्यूट फ्लावर बनता है। बच्चों की फ्रॉक्स पे आप लगा सकते हैं, अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो ऊपर पेटी पे आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट लगता है लगा हुआ, और हेयर एक्सेसरीज में भी इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी कलर कंट्रास्ट में आप मैचिंग ड्रेसेस के साथ या फ्रॉक के साथ बना सकते हैं। तो ये थी मेरी बहुत ही क्यूट सी वीडियो, और यहां तक अगर देख लिया तो लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है।
अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।